धनबाद पुलिस के खिलाफ मंगलवार को आक्रोशित लोग सड़क पर उतर गए। अभी तक कार्रवाई की मांग हो ही रही थी, लेकिन आज डरे सहमे और आक्रोशित लोग फुल एक्शन में दिखे। धनबाद में कानून व्यवस्था को फेल बताया, पुलिस पर अपराधियों से साठगांठ का आरोप लगाया। एक तरफ जमीन कारोबारी अजय पासवान हत्याकांड के खिलाफ लोग रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया, सभा की एवं लोग नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन को चेतावनी तक। वहीं नया बाजार धनबाद के शाहबाज सिद्दीकी उर्फ बबलू हत्याकांड में हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, यहां भी पुलिस निशाने पर रही। आक्रोश है लोगों के मन में कि किस तरह से एक बेगुनाह का हत्या हो जाता है और उसमें सही जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें नहीं हो रही है, इसके लिए शहर के लोगों के अंदर आक्रोश है। इस वजह से आज हम लोग कैंडल का क्रियाकलाप देखने को मिल रहा है। अपराधी जो उसकी हत्या की है गोली मार करके, वही अपराधी का बयान ले लिया कि मिस फायर हो गया इसलिए उसकी हत्या, उसकी मौत हो गई। कहीं ना कहीं पुलिस का षड्यंत्र रच रहा है, पुलिस कहीं ना कहीं दोषी है, पुलिस दोषियों को बचाना चाह रही है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये जो हत्या हुई है एक शरीफ इंसान का, शहर का एक शरीफ इंसान शाहबाज की गोली मारकर हत्या किया गया है, षड्यंत्र के तहत हत्या किया गया है, और पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने का जो प्रयास कर रहा है, यही जो आज आक्रोश है, आज आक्रोश है जो कैंडल मार्च के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं जिला प्रशासन को कि इस हत्या को आप ऐसे ही में मत लें, कहते हैं ना उसको ऐसे ही में मत लें। आने वाले दिन में अगर ये नौजवानों का जो आक्रोश भड़केगा तो जिला प्रशासन की सारी जवाबदेही होगी इस धनबाद में, ये जिला प्रशासन समझ ले। बैंक मोड़ पुलिस पर हत्यारों की मदद करने का आरोप लगा है। धनबाद के लोगों का आक्रोश कोई यूं ही नहीं, भड़कने की कई वजह है। एक तरफ अपराधी थानेदार को धमका रहे हैं, वासेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान पुलिस पर निर्दोष लोगों को परेशान करने का आरोप लगा रहा है और खोपड़ी खोलने की बात कर रहा है। दूसरी ओर रंगदारी के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। पुलिस का तोता रट जवाब है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अभी किसी एक घटना का खुलासा हो भी नहीं पा रहा कि दूसरी घटना घट जा रही है। पेचीदा मामलों का खुलासा नहीं हो रहा है, लोगों का धैर्य जवाब दे दिया है। धनबाद के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रविवार की शाम नया बाजार के जांच घर पर फायरिंग की गई और इस घटना की जिम्मेवारी ऑडियो जारी कर गैंगस्टर प्रिंस खान ने ली है। उसने खुली चुनौती दी है कि जब पुलिस वाले कोयला चोरों से पैसा लेते हैं तो हम दो नंबर के लोगों से पैसा क्यों नहीं लेंगे। बता दें कि अजय पासवान की 5 दिसंबर को गोली मारकर बगुला बस्ती में तब हत्या कर दी गई थी जब वो एक रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे थे। इस मामले में एक आरोपी जयमंगल हाजरा पुलिस से बच बचाकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस अब उसे रिमांड पर लेकर ही कुछ जानकारी हासिल कर सकती है। मेरे भाई का हत्या कर दिया, सूटी मंडल भी था, वो धमकी देता था मेरे भाई को और पार्टी में धाम में सब बर्बाद तो कर ये दिया है। और वो जो पार्टी में बुलाया और वो गोली चलवाया, वही गोली चलवाया, वो पार्टी में बुलाया कि झूठे बुलाया कि शादी में आओ और शादी में आके गाड़ी से उतरे और वो गोली चलवा दिया तो भी हम उतरेंगे, इसके लिए हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। और ये चीज को धनबाद में जल्द से जल्द रोका जाए, गुंडा मवाली खुलेआम घूरता है और अच्छे इंसान को आदमी गोली मार करके शादी पार्टी में बुला करके साजिश रच के ऐसे हत्या करा दिया जाता है, बताइए कहाँ का इंसाफ है। और यहाँ का प्रशासन चूड़ी पहन के बैठा है। और जो हत्यारा है वो पहले भी हत्या किया है, पहले कभी नहीं था। अगर प्रशासन दिन प्रतिदिन यहाँ का उस घटना में उस हत्या में अगर सजा करवा दिया होता तो दोबारा घटना नहीं है। अब इसके पीछे कौन कौन लोग हैं तो जांच का विषय है। हमारा वर्ग, हम लोग धरना के माध्यम से आज जैसे उनकी पत्नी अंजलि देवी जी भी बैठे, अंजलि पासवान जी भी बैठी है, हमारे पूर्व लोग मांग करते हैं कि जो अपराधी गिरफ्त से बाहर उसकी अरेस्टिंग हो तक कि जो और स्पीड ट्रायल करके वाले वो व्यक्ति है उसको फांसी की सजा की हम लोग मांग के लिए धरना बैठे। इसमें जन भावना का आक्रोश है और इन लोगों का चूंकि कार्य सही रास्ते पे नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ के लोगों ने ये कैंडल मार्च का आयोजन किया है ताकि उसको सही इंसाफ मिले।
मांग करते हैं कि दोषियों को जल्द घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर अजय पासवान की जान ले ली थी। वहीं नया बाजार के बबलू की हत्या विकास नगर मटकुरिया में कर दी गई है। बबलू के पिता की माने तो घटना के दिन रात 9 बजे ये कहकर घर से निकला कि उसे अब पप्पू मंडल के साथ कारोबार नहीं करना, वो हिसाब करने जा रहा है। लेकिन घर वालों को रात 2 बजे सूचना मिली कि वो अस्पताल में भर्ती है। घर वाले जब पहुंचे तो अस्पताल में बबलू मृत पाया गया, उसे गोली लगी थी। इस मामले में बबलू के पिता के बयान पर पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन इस मामले में कई झोल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नतीजा है कि अपराध के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। देखना है कि पुलिस आगे भी अपनी किरकिरी कराती है या अपनी कार्यशैली को बदलती है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।